हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैंने कैसे 95/100 स्कोर किया था, कौन से बुक्स को फॉलो कर एसएससी एमटीएस 2022 में, ठीक है, इसी बारे में इस वीडियो होने वाला है। मैं अपना कंप्लीट बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा, साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि आपको इन सभी बुक्स के पीडीएफ कहां से मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, जैसा कि आपने अगर इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा हो तो इसमें चार सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है। मैथ की बात करें अगर हम, तो मैथ के लिए एक राकेश यादव सर की जो है उनकी क्लास नोट्स आती है मैथ्स की, वो आप ले सकते हैं क्लास नोट्स, ठीक है। केवल एक ये बुक पढ़ना है। अगर आप प्री बिगिनर है तो कोई भी यूट्यूब चैनल से शुरू कर लीजिए, या फिर कहीं से आपने क्लास कर रखा है तो आप क्लास कर लीजिए मैथ के लिए, और रिवीजन के लिए आप क्लास राकेश यादव का क्लास नोट्स देख सकते हैं। और सेकेंड जो है आपको मॉक टेस्ट देना है, जो कि टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, और फिर जो करंट मॉक टेस्ट आता है वो देख सकते हैं। तो टेस्ट बुक, मॉक टेस्ट आप दे देंगे, ठीक है। तीसरा बुक अगर आप लेना चाहें तो पिनेकल का जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आता है वो आप ले सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने किया था, आप चाहे तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं किया था, मैंने केवल और केवल टेस्ट बुक का मॉक दिया था और प्रीवियस ईयर लगाया था, उसी से जो रीजनिंग है वो मेरा हो गया। रीजनिंग में कुछ ही जो चैप्टर है वो पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो आप जो विक्रमजीत सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी कौन कौन से चैप्टर करने हैं, जैसे कि आपका क्लॉक है, ठीक है, कैलेंडर है और काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, ये तीन ही चैप्टर है जो आपको करने हैं, बाकी सारा आपका टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट से हो जाएगा। जैसे जैसे आप मॉक देंगे आपका जो रीजनिंग है वो कंप्लीट होता जाएगा। इंग्लिश के लिए जैसा कि आपको मालूम है, इंग्लिश में दो सेक्शन होता है, एक होता है वोकैब का, एक होता है ग्रामर का, ठीक है। तो ग्रामर के लिए भी नीतू सिंह का बुक आपको फॉलो करना है, केवल और केवल एक ही बुक जो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है वो सिर्फ फॉलो करना है। और वोकैब के लिए भी अभी तो नीतू सिंह की बुक आ गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं नीतू सिंह की, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप मॉक टेस्ट भी देते रहिए, डेली एक मॉक टेस्ट देने का कोशिश करिए, अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। जीके के लिए बात करें तो जीके में भी कुछ अलग अलग पोर्शन होते हैं, जैसे कि एक तो आपका जीके जीएस का पोर्शन हो जाता है, एक करंट अफेयर्स हो जाता है, एक हो जाता है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। तो तीनों टॉपिक कैसे करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। जीके जो है आप लूसेंट के जीके से कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक के एनालिसिस के समय आपको जिस चैप्टर में दिक्कत होता है उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो अड्डा 24/7 की मंथली कंपाइलेशन आती है, उससे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके की जो हमारी एक बुक है पीएनएस ब्रह्मास्त्र बुक है स्टैटिक जीके की, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं जो स्टैटिक जीके के लिए बुक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सभी बुक्स का पीडीएफ जो है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अगर बात करें दोस्तों पीडीएफ की, तो सबसे पहले आप जाइए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको जितने भी मैंने यहाँ पर आपको बुक्स बताया हुआ है ये सारे बुक्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट बुक का भी लिंक होगा, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है। पीडीएफ सारे बुक्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मिल जाएगा। जो हमारा ब्रह्मास्त्र स्टैटिक जीके का बुक है
ब्रह्मास्त्र स्टैटिक जीके का जो बुक है हमारा, उसका भी लिंक आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कंप्लीट जो बुक की सीरीज है वो मैंने आपको बता दिया है। केवल इतना ही अगर आप बुक करते हैं ना तो ये सफिशियंट होता है। मैंने भी इतना ही किया था और मैंने स्कोर किया है 95/100 जो कि 2021 का MTS का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें मेरे सिलेक्शन भी अभी होने वाला है, तो आप भी इस तरह से इस बुक्स को फॉलो करके सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। जाइए और तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। SSC MTS वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नए नए अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। जैसे जैसे मेरे ज्वाइनिंग में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है सारी जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।